नमस्तु सर्वे छात्रे आशीर्वाद कुमार शर्मा अद वयम महाकवि कालिदास्णीत रघुवंश महाकाव्य ष्ठ सर्गस विषय अधुना अधुनाती पतिवरा इंदुमती स्वकीये स्वयंवरे पतिं लाभार्थं गच्छति राजसभायां गच्छति ततः किम किम केन केन प्रकारिना भवति असवर्णनम् अद्य वयम् करिष्यामः तत्र श्लोको अस्ति यत विस्रस्त मन्दा मनसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलग्नं प्रावारमुत्कृष्य यथावकाशं निनाय साचीकृतचारुवक्त्रः पुनश्च श्रूयतां विस्रस्त मन्दा मनसादपरो विलासी रत्नानुविद्धाङ्गदकोटिलग्नम् प्रावार मुत्कृष्य अथावकाशम निनाय साचीकृत चारुवक्त्रः चारु वक्त अर्थात कश्चित अन्य विलासी नृप स्कंधात विगलित रत्न खचित मेयूर सग्रे लग्न उत्तरीयस्त्रुलबिनी मलां वम्य मुखम तीक्वा यथा स्थानं स्थापितवान प्रवारोत्प्रेक्षण व्याजेन अहम् त्वमेव परिरपक्षे इति निरपस्य आशयः अयमंगे किञ्चित गोपनीयं प्रावृणुति इति चेंदुरत्याशयः पुनः अस्य हिन्द्यां किसी दूसरे विलासी राजा ने तिरछी नजर से देखते हुए अर्थात वो इंदुमती को तिरछी नजर से देख रहा है कोई विलासी राजा और कंधे से नीचे सरकी हुई तथा रत्न जटित केयूर के कोने में अटकी हुई उत्तरीय या सीधी लटकी हुई माला को पुनः अपने स्थान पर रख लिया अर्थात उसके कंधों से माला नीचे गिर गई थी उसको अपने कंधों पर या अपने स्वस्थान पर पुनः रख लिया गिरते हुए उत्तरीय वस्त्र को पुनः गले लगाने के व्याज से राजा ने व्यक्त किया कि मैं तुम्हें इसी प्रकार आलिंगित किया करूंगा जो उत्तरीय वस्त्र था वो नीचे गिर गया उसको गले से लगाते हुए राजा ने इस प्रकार से अभिव्यक्ति करी कि मैं तुम्हें इसी प्रकार से आलिंगित करूंगा ऐसा इंदुमती के लिए अभिव्यक्ति करी और इंदुमती ने समझा कि यह राजा अपने दूषित अंग को छिपा रहा है और इंदुमती ने वाली भांति उस राजा का यह अभिमत पहचान लिया अभिमत उसके सामने अर्थात इंदुमती के सामने सुस्पष्ट हो गया अस्य संस्कृत व्याख्यायाँ साक्षीकृत चारुवक्त्रः त्रियकृत रम्य मुख अन्यः अन्य विलासी विلسन शीलाह अनसात् स्कंधात नृपः विstrstrस्तं स्कलितं रत्नानुविद्दानगद कोटिलग्णम मणिकक्षितकेयूर कोण शृष्टम प्रावारम उत्तरीयम अत्र प्रालंभम इति पाठेतु रिजु लंबिनं मालम इत्यर्थः कार्यः उत्कृष्य उद्रित्य यथावकाशं यथास्थानं निन्नाय अनयत अत्र उपजाति वृत्तं वर्तते अनंतरोदीरित लक्ष्म भाजौ पादौ यदि या उपजाते अस्था इत्तम खिलान्न स्वपि मिश्रिताशु स्मरन्ति जातिश्विदमेव नाम इति उपजाति लक्षणे लक्षणम् अधुना अपरा श्लोकः तावत् श्रणो निवेस्य वामं तत् सन्निवेशात अधिकोर्णतां सह कश्चित वृत्तत्रिक वृत भिन्नहार सोरे समाभाषण तत् परो भूत पुनः श्रुयताम् निवेस्यवामं बोझमासनार्धे तत् सन्निवेशात अधिकोर्णता सह कश्चित वृत्तत्रिक बिन्नहर सुरित समाभाषण तत्परो भूत अर्थात कश्चित अन्योन रिपाह वाम भागम सिंहासनार्थे संस्थाप्य दक्षिणांशम चौन्नतम विधाय समीपस्थे न मित्रेण सह वार्तालाप अकरोत् अस्य तात्पर्य वर्तते वाम भागे इति क्येटी भूपस्याशय परुमती परां मुख ममपेक्षते भाव अर्थात सिंहासन के आधे हिस्से में बाई भुजा को रखकर अर्थात एक राजा ने सिंहासन के आधे हिस्से में बाई भुजा को रख लिया और दाएँ कंधे को अधिक ऊंचा करके कोई राजा गले के हार को पीट की ओर लटकाए हुए मित्र से वार्तालाप करने लगा वह इंदुमती को यह कहना चाहता है कि मैं इसी प्रकार तुम्हें बाई और बैठा कर अर्थात बैठा कर मीठी मीठी बातें करूंगा किंतु इंदुमती ने उसे परांगमुख देखकर उपेक्षा कर दी अर्थात जैसे ही इंदुमती आई और देखा कि वह राजा परांगमुख है अर्थात मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा दूसरे राजा की ओर ध्यान दे रहा है तो उसे इंदुमती ने उपेक्षित कर दिया अस्य संस्कृत अस्कृतिव्याख्या आसना सिंहासन सेम भुज दक्षिणेतरबा निवेश्य संस्थाप्य तत्सनिवेशा वामभुजस्थना अतितांशा विशेषोत्थक्षिणस्कंद सन् विवृतम भिन्नहार हा, प्रावृत पृष्ठांश लुंठित माक्तिक माल सन कंची कश्चित अन्यो भूप सुरित समाभाषण तत्पर मित्र संलाप लग्न अभूत अभवत अत्रापि उपजाति वर्तते प्रायः रघुवंशे प्रायः प्रायः सर्वेशु श्लोकेशु उपजाति न वर्तते अभी तो प्राय उपजातिवृत्त क्वचि क्वचि प्राप्यते क्वचि अपि छंद प्राप्यते अग्रे विलासिनी भ्रमदंतपत्र आडुर के बर्हमण्य प्रया तमोचित सवेश विटा विपाटया मास युवा नखा ग्रही पुनश्च श्रूयताम विलासिनी विभ्रमदंत पत्रम आ पांडुरम के तक बरह मन्य प्रिया नितंबोचित सन्निवेश हीर सन्निवेश ही विपाट या मास अर्थात अन्य युवा विलासी नृप प्रिया नितंबे चिन्ह निर्माण ही निर्माणकुशल ही इतरे कस्याचि इतरनायिकाया श्रृंगारा रचित आभूषण पांडुर पांडुवर्ण कीतकल विदारायास अहम तव नित भाग नखच्छदेभूष्यामी नृपस्याशय परुमती शोचती यणव तृछेद पत्र त्रोट को अयम अपलक्षको व्याख्यायाम एक दूसरे युवा नृप ने के नितंबों पर रखने योग्य बनाने में नख नक, दक्ष नखों से किसी अन्य स्त्री के लिए बनाए गए आभूषण रूप पांडुवर्ण की केतकी दल को विदीर्ण कर दिया वह इंदुमती को संकेत कर रहा था कि मैं तुम्हारे नितंब भाग को ऐसे ही नखच्छद से सुशोभित करूंगा लेकिन तृण छेदक की तरह उसे पत्ता तोड़ने वाला समझकर इंदुमती ने उसे त्याज्य माना प्रायः रतिक्रिया में नखच्छेद और दं छद और दंतच्छेद का विशेष महत्व माना गया है विविध प्रकार के शास्त्रीय ग्रंथों में भी जैसे साहित्य दर्पण काव्य प्रकाश आदि ग्रंथों में भी इस प्रकार नखच्छेद और दंतच छद का विशिष्ट महत्व माना गया है अ अन्यः अपरः युवा तरुणों नृप प्रियातंबोचित सवेश प्रियाक प्रियाकितभ्यस्तपण नखाग्रह नखसाग्रभाग विलासिभ्रमदंतपत्र प्रिया, प्रिया, प्रिया ही, ही, विलासकर्णूषण आ पंडुरम पीततववल केतकबरह केतक विपाटयामास विदारित विदारी अग्रेच अधुना असौ शरण्य शरणोन्मुखानाम अगाध सत्व मगदा प्रतिष्ठा राजा प्रदारंजन लब्ध प्रपरंतपो नाम यथार्थनामा नामा पुनश्च श्रूयताम असंशरण्य शरणान मुखानाम आगाद सत्वो मगद प्रतिष्टः राजा प्रजा रञ्जनलब्ध वर्णः परंतपो नाम यथार्थ नाम अस्य श्लोकस्य संस्कृत व्याख्या वर्तते भावार्थः अयम् पुरो वर्त, वर्त विद्यमानो राजा शरणागतानां रक्षकः गंभीर स्वभावः बलिष्ठः मगददेशः प्रतिष्टः वर्तते असौ प्रजारंजने महतिम प्रतिष्ठा अर्जितवान परेशा संताप्जना अस पर नाम यथे यथार्थम एव अस्ति अतः ये राजा शरणों में आने वाले के रक्षक हैं स्वभाव से गंभीर है और महान पराक्रमशाली है ये मगध देश के गौरव हैं तथा प्रजाजन को सुख देने में बड़े दक्ष हैं, यशस्वी है, है शत्रुओं को संताप देने के कारण इनका नाम पर गुणे पिशाचादो बले द्रव्य स्वभाव प्रजाशात संतो जने ध्रीमा सूरी कृति क्लिष्टलबर्णो विचक्षण छंदो वर्तते इंद्र उपेन्द्र वज्र मिश्रण वज्रमिश्रण्वाद उपजातिवृत्त धन्यवाद <coughs>